आज हम पढ़ेंगे कि फाइल्स को ओपन कैसे किया जाता है, फाइल्स को क्लोज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल ओपनिंग कैसे होगी। इसमें एक चीज होती है फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर वो वेरिएबल है जो फाइल के साथ कनेक्ट होता है, जो प्रोग्राम और फाइल का आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, फाइल राइटिंग परफॉर्म करता है और रीडिंग परफॉर्म करता है। यानी ये आप देखें, ये प्रोग्राम हमने बनाया है एक, ये देखें ये हमारा क्या है, फाइल पॉइंटर है जो हमने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ओएफ स्ट्रीम का, यानी कि आउटपुट फाइल स्ट्रीम का। ठीक है, और ये आप जब डिक्लेयर करते हैं, ये बेसिकली आप फाइल पॉइंटर की डिक्लेरेशन कर रहे हैं। ये लाजमी नहीं कि इसका नाम आपने एफ पी ही रखना है, सनामैक्स रखते हैं, वाई रखते हैं, जो मर्जी रखते हैं इसका नाम, जस्ट लाइक आप वेरिएबल्स के नाम रखते हैं। ठीक है, तो नाम अमूमन ऐसा रखा जाता है कि उसको पता चल जाए कि इसका क्या फंक्शन है, तो इसलिए मैंने इसका नाम एफ पी रखा हुआ है, फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है फाइल पॉइंटर की। डिक्लेरेशन में आप साथ ये भी मेंशन कर देते हैं कि कौन सी फाइल आपने ओपन करनी है। ठीक है, ये जो क्लास है ये तो या तो होगी आउटपुट फाइल स्ट्रीम या इनपुट फाइल स्ट्रीम या फाइल स्ट्रीम, इन तीन ऑप्शंस पे फिलहाल हमने काम करना है। ठीक है, तो ये फाइल पॉइंटर हमारा हो गया। अब ये इन तीन क्लासेस से मैंने को बताया था ऑलरेडी कि ये इन तीन क्लासेस में हम डील करेंगे, और नेक्स्ट हमारा है ये ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को ओपन करने के लिए। कैसे, इसका देखिए एक तरीका तो ये होता है जो मैंने ऑलरेडी ये यूज किया हुआ है, इसमें आपको ओपन वाला फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस स्टेप को आप दो तरीकों में कर सकते हैं कि पहले आप जस्ट फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कर लें, फिर इसका एक फंक्शन है ओपन, और यहां पे वो फाइल का नाम लिख दें। यानी या तो आप ऐसे एक लाइन में कर लें ये काम, या फिर ये दो लाइनों में कर लें। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन भी हो रही है और यू समझ ले के इनिशियलाइजेशन भी हो रही है, और यहां पे जस्ट क्या हो रही है और यहां पे क्या हो रहा है, समझ आई? तो अगर आप ऐसे इस तरीके से बना अपना जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्लेयर करते हैं, तो ये ओपन वाला फंक्शन खुद ब खुद कॉल कर लेता है, आपको जरूरत नहीं उसको कॉल करने की। तो इसको फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा, इसी तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइल ओपनिंग मोड्स। फाइल को मुख्तलिफ मोड्स में ओपन किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी इसकी मोड्स हैं, इनपुट मोड, आउटपुट मोड, बाइनरी मोड, ये तो मेन है ना तीन जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। इसके अलावा ये एडिशनल मोड्स भी हैं, एट द एंड मोड, अपेंड मोड, ट्रंकेट मोड, नो क्रिएट मोड, नो रिप्लेस मोड। ठीक है, इसका तो आपको आइडिया होगा। इनपुट मोड का मतलब क्या होता है कि फाइल को हमने ओपन करना है फॉर इनपुट ऑपरेशंस, फॉर रीडिंग ऑपरेशंस, राइटिंग नहीं करनी, जस्ट रीडिंग करनी है। और आउट का मतलब क्या है, राइटिंग परफॉर्म करनी है, रीडिंग नहीं करनी। और बाइनरी का मतलब क्या है कि आप फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना चाहते हैं, रीडिंग और राइटिंग जो होनी है वो बाइनरी मोड में होनी है। ठीक है, अगर आप ये बाइनरी मोड का यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो इसको टेक्स्ट मोड में ओपन करता है, लेकिन अगर उसको बाइनरी मोड में चाहते हैं तो फिर ये वाली मोड यूज करें। इसी तरह से फिर ये कुछ एडिशनल है, लाइक ये है एट द एंड। इसका मतलब ये होता है कि फाइल पॉइंटर को फाइल के एंड पे प्लेस कर दो। व्हाट इज फाइल पॉइंटर, देखिए एक टेक्स्ट फाइल है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये तो बाइनरी मोड में है, ये ठीक है, ये देखें ये हमारे पास एक फाइल है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है। ये आपको ये कर्सर ब्लिंक करती नजर आ रही है, जो वर्टिकल लाइन है ये ब्लिंक होती नजर आ रही है। अब ये इसको जब फाइल आप ओपन करते हैं ना, तो आपका फाइल पॉइंटर इस जगह पे होता है पहले कैरेक्टर के शुरू में। लेकिन अगर आप ये वाली मोड यूज करेंगे एट द एंड वाली मोड, तो वो यहां से आपके जो है ना फाइल पॉइंटर को प्लेस करेगा, सबसे एंड पे जाके प्लेस कर देगा उसको। तो आपके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो एट द एंड ऑफ द फाइल परफॉर्म होंगे।
बाई डिफॉल्ट वो कहां से करता है, स्टार्ट से। अगर आप एट द एंड वाली मोड यूज करेंगे तो वो सबसे एंड पे पॉइंटर को प्लेस करेगा और वहां से अपने सारे ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इसी तरह ये है अपेंड मोड, अपेंड भी आपके जो फाइल पॉइंटर को एट द एंड प्लेस करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वाली जो मोड है एट द एंड वाली, ये इनपुट आउटपुट दोनों मोड्स के अंदर इस्तेमाल होती है, और जो अपेंड है ये सिर्फ आउटपुट मोड में, ठीक है। ये वाली मोड भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, अपेंड मोड, ठीक है। उसके बाद ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि आप जब फाइल ओपन करेंगे तो प्रीवियस डाटा अगर कोई पड़ा हुआ है तो वो सारा डिलीट होना चाहिए। ये क्या करता है, डिलीट्स प्रीवियस डाटा, ठीक है। नो क्रिएट, इसका मतलब ये है कि ये फाइल सिर्फ उसी सूरत में ओपन करेगा अगर फाइल पहले से मौजूद होगी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर वो आप फाइल राइटिंग परफॉर्म करते हैं तो आप जो फाइल का नाम लिखते हैं अगर वो पहले से मौजूद नहीं होगी तो वो क्रिएट कर देता है, ऑटो में क्रिएट कर देता है, आपसे पूछता भी नहीं है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि भाई अगर फाइल है तो उसको ओपन करना, अदरवाइज उसको क्रिएट मत करना, तो फिर हम ये वाली मोड यूज करेंगे। इसी तरह ये है, ये उसका उलट है, नो रिप्लेस। ये फाइल को ओपन तब करता है जब एग्जिस्ट ना करती हो, यानी ये लाजमी क्रिएट करता है, ये ओवरराइट नहीं करता, ये उसी सूरत में फाइल ओपन करता है वो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। ओके, ये मुख्तलिफ मोड्स थी। अब हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे कि ये जो मोड्स, जरूरी नहीं होता कि आपने अलग अलग मोड ही लगानी है, ये दो या दो से ज्यादा मोड्स कंबाइन भी की जा सकती है, दो मोड्स को कंबाइन करके भी फाइल ओपन की जा सकती है। तो अगर आपने कंबाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखें, इसको देखें आप, ये हम जो लिखा है, क्या लिखा है, ये इनपुट मोड है और आउटपुट मोड है, और दरमियान में ये पाइप सिंबल हमने यूज की हुई है। इसका मतलब है कि फाइल जो आपकी ओपन होगी वो दोनों मोड्स के अंदर ओपन होगी, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसके साथ एक और पाइप सिंबल लगा के फिर एक और मोड भी साथ अटैच कर सकते हैं। अब ये तीन मोड्स के अंदर फाइल ओपन होगी, ठीक है। मोड्स को ऐसे कंबाइन भी किया जा सकता है, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, ये क्या है, डिफॉल्ट फाइल ओपनिंग मोड्स। नॉर्मली जब हम किसी इनपुट फाइल स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इस वाली मोड में ओपन करता है, बाय डिफॉल्ट इनपुट मोड में, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इसी मोड में ओपन करता है। अगर आप ओएफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कौन सी मोड में ओपन करेगा, आउटपुट मोड में। अगर आप फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किस, दोनों मोड्स में ओपन करेगा फिर, बिकॉज फाइल स्ट्रीम का जो फंक्शन क्या है कि ये रीडिंग भी करता है और राइटिंग भी करता है, ठीक है। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेरीफाइंग फाइल ओपनिंग। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप फाइल क्रिएट करते हैं या फाइल ओपन करते हैं लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फाइल क्रिएट नहीं हो पाती या ओपन नहीं हो पाती, तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम जब फाइल ओपन करने की कमांड देते हैं तो साथ ही हम चेक कर लेते हैं कि क्या फाइल ओपन हुई भी है या नहीं हुई, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, इज ओपन। ये आप फंक्शन आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब क्या है कि फाइल आपकी प्रॉपरली ओपन हो गई है, फॉल्स का मतलब क्या है कि देयर इज सम प्रॉब्लम एरर जिसकी वजह से फाइल ओपन नहीं हुई। और इसका एक और तरीका है, ये ऑपरेटर जानते हैं कौन सा है, नॉट, जो आपका फाइल पॉइंटर है उसके साथ ये नॉट ऑपरेटर। अगर फाइल पॉइंटर को वैसे आप चेक करें ना तो ये भी ट्रू फॉल्स आंसर देगा, आप अगर वो फाइल सही तरीके से ओपन हुई है तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। और अगर आप साथ में ये नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो उसका मतलब है कि अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो उसको ट्रू आंसर दे रहा होगा। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं और ये हमने यहाँ पे यूज किया भी है। ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यानी अगर फाइल पॉइंटर की वैल्यू फॉल्स है तो फिर ये मैसेज दो, फाइल ओपनिंग एरर और एग्जिट, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने अपने सारे ऑपरेशंस फाइल पे परफॉर्म कर लेने हैं तो फिर आपने एक फंक्शन यूज करना है क्लोज का, उसके जरिए आपने फाइल को क्लोज करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने क्लोज फंक्शन यूज किया हुआ है।
और ये सबसे एंड में जब आपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेने हैं रीडिंग राइटिंग के, उसके बाद करना है। और ये जरूरी क्यों होता है, क्लोज ऑपरेशन जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ये वाला फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है मेमोरी में जो फाइल पड़ी हुई है उसके डेटा के साथ लिंक रहेगा, और फर्दर उस मेमोरी को जो आपने ऑक्यूपाई की हुई है उसको कोई और यूज नहीं कर सकेगा। तो जब आप क्लोज फंक्शन यूज करते हैं तो वो मेमोरी को रिलीज कर देता है, फिर उस फाइल को कोई और प्रोग्राम भी यूज कर सकेगा। ठीक है, ओके, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए फाइल ऑपरेशंस के हवाले से। अब हमारी जो फाइल रीडिंग राइटिंग होती है वो तीन तरीकों से होती है, एक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, एक है करेक्टर इनपुट आउटपुट, और एक है बाइनरी। तो ये हम वन बाई वन तीनों को देखते हैं हम। ठीक है, फॉर्मेटेड में क्या होता है कि आप कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स का डाटा सेंड करते हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, और करेक्टर आयो में क्या होगा आप खुद बताओ जरा, ओनली वन करेक्टर। फॉर्मेटेड में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, सीरीज ऑफ करेक्टर्स, और करेक्टर आयो में ओनली वन करेक्टर। ठीक है, तो ये एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा इसका मतलब क्या है कि हर जितने भी आप करेक्टर्स भेजेंगे वो उतने बाइट्स यूज करेंगे फाइल के अंदर, मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। फॉर एग्जांपल ये डाटा है आपका, क्या लिखा है, ये 38.1, ये कितने करेक्टर्स बन गए, 6 इंक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट, तो ये 6 बाइट्स बन गए। लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे बाइनरी में, बाइनरी मोड में, तो यही आपका डाटा सिर्फ 4 बाइट लेगा, बिकॉज दिस इज अ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेंगे वेरिएबल में तो 4 बाइट्स में डाटा स्टोर करते हैं। तो फॉर्मेटेड फाइल्स आयो जो है ना, ये स्टोरेज एफिशिएंट नहीं है, ये स्टोरेज एफिशिएंट नहीं है। स्टोरेज एफिशिएंट कौन सा है, बाइनरी। ठीक है, ये कम स्टोरेज लेता है, और ये फॉर्मेटेड जो है ये ज्यादा स्टोरेज लेता है, लेकिन ये समझने में आसान है फॉर्मेटेड। इसका हम प्रोग्राम देखते हैं, ये जी फॉर्मेटेड का, इसमें आप देखें कि हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, एक इंट, और फिर हमने 4 और डबल, फिर हमने फाइल ओपन की, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा हमने, फाइल कौन सी दी हमने, और फिर हमने चेक किया कि क्या जो हमारी फाइल है वो प्रॉपरली ओपन हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हमारी फाइल प्रॉपरली ओपन हुई तो हम ये मैसेज देंगे और यहां पे प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। ये एग्जिट फंक्शन क्या करता है, ये प्रोग्राम को यहां पे स्टॉप कर देगा, इससे आगे प्रोग्राम नहीं जाएगा। ठीक है, और ये वन का मतलब क्या होता है, वन एक जस्ट एक फ्लैग वैल्यू है, एक इंडिकेटर वैल्यू है कि हम एग्जिट किस वजह से हुआ है। वन भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2, 3, 4, या आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर दे सकते हैं। जो आपने नंबर दिया है वो आपने उसको बाद में रिकॉग्नाइज भी आपने ही करना है कि वन मैंने किस वजह से दिया था, 2 किस वजह से दिया था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इस लाइन को समझे जरा, ये हमारी मेन लाइन है, राइटिंग हो रही है। ये क्या किया हमने, सबसे पहले फाइल पॉइंटर का नाम लिखा जो कि उस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे फाइल हमने डाटा राइट करना है। उसके बाद ये इंसर्शन ऑपरेटर, बिल्कुल वैसे जैसे आप सी आउट के साथ इस्तेमाल करते थे। उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद फिर एक ब्लैंक स्पेस दिया, फिर वेरिएबल का नाम, फिर ब्लैंक स्पेस, और फिर वेरिएबल का नाम। तो ये अगर आप यहां पे अगर आप यूज करते हैं सी आउट, तो ये कहां पे डाटा प्रिंट होगा आपका, कंसोल पे, जैसा कि अभी तक आप लोग करते रहे कंसोल पे, ऐसे ही है ना। लेकिन यहां पे जस्ट आप चेंज करें सी आउट की जगह पे क्या कर दिया आपने, फाइल पॉइंटर। अब आपका कंसोल पे आउटपुट नहीं जाएगा, कहां जाएगा, फाइल। समझ आ गई ये बात। और जब आपकी ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, दिस इज बेसिकली राइट ऑपरेशन, तो उसके बाद आपने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया, मेमोरी को आपने रिलीज कर दिया। ठीक है, कौन सी फाइल है मेरे पास इस वक्त, ये पड़ी हुई है ऑलरेडी, ये ना टेस्ट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं।
है, टेस्ट फाइल हमारे पास नहीं है अब। अब हम इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को, तो ये ब्लैंक मैसेज आ गया है। हमने कोई आउटपुट दिया तो था नहीं, कंसोल के लिए हमने कोई आउटपुट नहीं दिया था, लेकिन हमारा डाटा फाइल में जरूर राइट हुआ है। तो हम चेक करते हैं जाके क्या हमारी फाइल बनी है। ये देखें, ये फाइल बन गई, इसको ओपन करें और ये डाटा हमारा राइट हो गया। देखें ये 10 क्या चीज़ है, एन की वैल्यू थी, व्हाट इज स्टार, ये सी एच की वैल्यू थी, इसी तरह ये डी की वैल्यू। ये समझ आ गई बात। अब हम अगला प्रोग्राम देखेंगे, फॉर्मेटेड रीडिंग। फॉर्मेटेड यही जो फाइल है, इसी फाइल को हम रीड करेंगे अब। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें आप देखें क्या चेंज है। पहले तो ये वेरिएबल्स वही हैं, लेकिन हमने वैल्यूज तो नहीं दी हैं, तो हमने वैल्यूज कहाँ से आएंगी, फाइल से। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल पॉइंटर बन रहा है। कौन सी क्लास का, इनपुट फाइल का, बिकॉज दिस टाइम हम रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फाइल वही है हमारी, उसके बाद इसकी समझ आ रही है, फाइल ओपनिंग को चेक किया जा रहा है, एरर तो नहीं है। और यहाँ पे ये बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। क्या हुआ, जस्ट वहां पे इंसर्शन ऑपरेटर था राइटिंग करते हुए, यहाँ पे कौन सा आ गया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, बाकी इसमें कोई मसला है, तीनों वेरिएबल्स को हमने रीड कर ली है, उसके बाद क्या किया, और सिंपली उसके बाद जो डाटा हमने रीड किया है इन टू द वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमने यहां पर डिस्प्ले करवा दिया है ऑन द कंसोल। तो हमारा डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, फाइल कंटेंट्स आर 10 स्टार एंड 38 पॉइंट समथिंग। ठीक है, समझ आ गई। इसमें कोई क्वेश्चन, फॉर्मेटेड राइटिंग का एक और प्रोग्राम हम करते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, सिटीज। सिटीज के नाम से कोई फाइल नहीं है, ये सिटीज की फाइल हम एक ओपन करेंगे फॉर राइटिंग ऑपरेशन। और यूजर से हम 5 टाइम्स इनपुट ले रहे हैं, ये देखें इसमें कोई मसला तो नहीं, स्ट्रिंग में इनपुट ले रहे हैं ना, और स्ट्रिंग में इनपुट लेने के बाद ये क्या कर रहे हैं, ये देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है। जो प्रीवियस राइटिंग थी वो थी इंट में, चार में और डबल में या फ्लोट में, ये कौन सी वैल्यू राइट हो रही है, स्ट्रिंग है ये। ठीक है, तो यूजर से 5 इनपुट्स लेके हम उसको राइट करेंगे इनटू द फाइल, और उसके बाद फाइल को क्लोज करेंगे। हम सिटीज के नाम लिखते हैं 5 दफा, ये लूप चलनी है। ओके, इनपुट कंप्लीट हो गया है, उसने हमें कोई राइटिंग का मैसेज नहीं दिया, बिकॉज हमने खुद उसको कोई राइटिंग करवाई नहीं है। राइटिंग तो हुई है, मैसेज नहीं दिया। कौन सी फाइल थी, देखते हैं ये सिटीज वाली फाइल, ये पड़ी हुई है सिटीज, इसको डबल क्लिक करें, ये हमारा डाटा राइट हो गया। ठीक है, अब जिस तरह से हमने इसकी राइटिंग की है, इसको हम रीड भी करेंगे। ठीक है, अगला प्रोग्राम देखें, फॉर्मेटेड रीडिंग। यहां पे क्या चेंज आया, आउटपुट की जगह पे क्या आ गया, इनपुट। फाइल वही है हमारी, अब हमने रीडिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या मतलब है, हम इसकी रीडिंग परफॉर्म करेंगे, कब तक रीडिंग परफॉर्म होगी, जब तक फाइल पॉइंटर फाइल के एंड पे ना पहुंच जाए। तो ये फंक्शन मैंने यहां पे लिखा हुआ है नोट्स में, एंड ऑफ फाइल डिटेक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, यूएफ, और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू कब रिटर्न करता है, जब आपका फाइल पॉइंटर फाइल के एंड पे पहुंच जाए, और फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब एंड पे ना हो, दरमियान में हो, शुरू में हो। ठीक है, तो वाइल ये लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक वो कर्सर फाइल के एंड तक ना पहुंच जाए। ये लाइन बाय लाइन उसको रीड करेगा, हर लाइन को।
गेट लाइन ये फंक्शन हमने पढ़ा था सीन के साथ, पढ़ा था आपको याद होगा इस तरह से, सीन डॉट गेट लाइन, सेम सिंटैक्स था। यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखते थे जिसके अंदर आपने इनपुट लेना होता था और उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया, फाइल पॉइंटर। अब ये रीडिंग करेगा लेकिन कीबोर्ड से नहीं करेगा, कहां से करेगा, फाइल से, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है ना आपका, ये चलेगा टिल द एंड ऑफ फाइल, सारी लाइंस को वन बाय वन रीड कर लेगा इस स्ट्रिंग के अंदर, फिर हम उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, सिटीज के नाम जो हमने वहां पे लिखे थे सारे रीड होने चाहिए ना, तो ये डाटा उसने वहां से रीड कर लिया, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, करेक्टर। अभी मैंने बताया था कि फॉर्मेटेड में और करेक्टर में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, जस्ट वन करेक्टर होता है और उसमें, हाँ जी, सीरीज या कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, कौन कौन से, और गेट। और अगर आपको याद हो तो इससे रिलेटेड हमारे करेक्टर इनपुट के भी थे फंक्शन, इनपुट आउटपुट के। तो खैर इसको हम देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। दिस इज करेक्टर आउटपुट राइटिंग ऑपरेशन। ये हमने फाइल ओपन की, ठीक है, ये वेरिएबल हमने बनाया सीएच का, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेके फिर उसको फाइल की तरफ राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लूप कितनी दफा चलाई है, 5 बार इनपुट ले रहे हैं यूजर से, 5 टाइम्स यूजर इनपुट देगा और फिर सिंपली हम इस फंक्शन को यूज करते हुए, पुट फंक्शन को यूज करते हुए अपने करेक्टर को राइट कर देंगे, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग के जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो जस्ट वन लाइन में परफॉर्म हो रहे हैं, बाकी सारे वो जो उसने टाइम लिया है या हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो सारे वेरिएबल्स वगैरह इनपुट वगैरह के लिए लिखी हैं, रीडिंग राइटिंग के लिए जस्ट वन लाइन है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 5 टाइम्स आपसे इनपुट पूछेगा एक करेक्टर का और उसको वन बाय वन करेक्टर फाइल में राइट कर देगा। और ये फाइल कौन सी है, टेस्ट 2 ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। रन करते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं एंटर अ करेक्टर, मैं हमने लिख दिया क्यू डब्ल्यू ई आर टी, 5 हो गए, लूप खत्म हो गई, डाटा हमारा कहाँ गया होगा, टेस्ट 2 में, ये देखें ये डाटा आ गया हमारा, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने राइटिंग की है ऐसे ही हमने क्या करनी है, रीडिंग। तो रीडिंग का प्रोग्राम देखें बहुत सिंपल सा है, हमने फाइल को ओपन किया और वाइल के अंदर हमने कंडीशन क्या लगाई है, अब इस देखें ये फंक्शन क्या है, नाम क्या है, और ये फाइल पॉइंटर का फंक्शन है और ये एक करेक्टर रीड करेगा फ्रॉम द फाइल और उस करेक्टर को इस वेरिएबल के अंदर रख देगा। अगर तो वहां पे कोई करेक्टर होगा तो इस फंक्शन का ओवरऑल आंसर आ जाएगा ट्रू, अगर वहां पे करेक्टर नहीं होगा तो उसका फंक्शन का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यानी जब ये रीडिंग करते करते, करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग करते करते एंड पे पहुंच जाएगा, एंड ऑफ फाइल पे, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, वहां पे जाके लूप ब्रेक हो जाएगी, समझ आ रही है। वन बाय वन करेक्टर्स को रीड करेगा और रीडिंग करके उसको सी एच के वेरिएबल में रखेगा, जब लास्ट करेक्टर के बाद आगे जाएगा तो वहां पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, लूप ब्रेक हो जाएगी, तो फिर फाइनली हम उसको क्लोज कर देंगे। तो करेक्टर को रीड करने के बाद हम करने कर क्या रहे हैं, सिंपल उस करेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करेक्टर्स हमारे सारे उस फाइल में से उसने उठा के प्रिंट कर, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक, बाइनरी फाइल इनपुट आउटपुट। तो इसके मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये जो डाटा राइट करता है ये बाइनरी कोड्स की शक्ल में राइट करता है और इसके लिए भी हमारे पास दो फंक्शन है, कौन कौन से, राइट और रीड। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारे पास टोटल 6 फंक्शन हो गए हैं, फॉर्मेटेड के 2 फंक्शन थे, वैसे वो अलहदा नहीं थे, वो ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम कर रहे थे, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को।
करेक्टर के लिए दो फंक्शन है, पुट और गेट, और बाइनरी के लिए दो है, राइट और रीड। अब हम बाइनरी को देखते हैं, ये बाइनरी राइटिंग को देखें। बाइनरी राइटिंग में हमने इसकी जो एग्जांपल ली है ना, पहले हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, वैसे कोई नॉर्मल वेरिएबल भी आप राइट कर सकते थे, लेकिन चले एक एग्जांपल स्ट्रक्चर की भी आ गई कि आप स्ट्रक्चर के डाटा को भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया, हमने फाइल ओपन की और पॉइंटर का नाम क्या रखा है, आउट। कौन सी फाइल ओपन की है, ये ऑलरेडी पड़ी हुई है यहां पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। और इसको किस मोड में ओपन कर रहे हैं, बाइनरी में। ये लूप हमने चलाई है 3 times, नहीं बेटा 3 times है, 1 to 3 तक है, ठीक है। ये हमने इसको इनपुट लिया है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और किस में, स्ट्रक्चर के मेंबर्स में इनपुट ले रहे हैं। अभी तक हमारी फाइल का कोई काम नहीं आया, ठीक है। यहां पे हो रही है राइटिंग, दिस इज राइटिंग ऑपरेशन, ठीक है। जैसे ही वो सारा स्ट्रक्चर का डाटा इनपुट लेगा तो यहां पे वो उसके डाटा को राइट कर देगा फाइल। यहां पे आपने करना क्या है, जस्ट ऐसे ही लिखना है, जस्ट ये एस की जगह पे ना अपने वेरिएबल का नाम लिख देना आपने, जो आपने राइट करना है, बाकी आपने किसी चीज को नहीं आपने चेंज करना। ये बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पे कास्टिंग हो रही है करेक्टर में, और उसके बाद साइज ऑफ एक फंक्शन है, वो बताता है कि कितने बाइट्स का डाटा राइट करना है। साइज ऑफ आपको बताता है नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स का डाटा आपने फाइल में राइट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। अगर आप कोई और वेरिएबल राइट कर रहे हैं तो जस्ट इस पूरी लाइन में से आपने जस्ट एस की जगह पे उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, बस, और कोई चेंज नहीं करना है इसके। सो रन करते हैं, ये आपसे इनपुट मांगेगा, 3 times 3 students का डाटा इनपुट देगा, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ठीक है, 3 inputs हो गए। अब हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो गई, वो मेरा डाटा जाना चाहिए, कौन सी फाइल थी, सो दिस इज students.txt। ये इसका आउटपुट ऐसा क्यों है, एक चीज नोट करें, जो हमारी थी ना स्ट्रिंग, उसका डाटा उसने ऐसे ही रखा है, बाकी जो हमारा डाटा था इंट का और दो इंट थे दोनों ना, उसको वो बाइनरी में ले गया है, ठीक है। समझ आ रहा है ये डाटा, किसको समझ आ रहा है, हर बात के जवाब में यस नहीं बोलते होते, कहीं पे नो भी बोलना चाहिए, ओके। ये रीडिंग परफॉर्म हो रही है, वही स्ट्रक्चर है, और हमारी फाइल किस मोड में ओपन हो रही है, इनपुट मोड में और बाइनरी मोड में, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, राइट की जगह पे क्या आ गया है, बाकी सेम वही चीज है, रीडिंग करने के बाद आपने सिंपली उसके डाटा को प्रिंट कर दिया, तो ये आपका डाटा प्रिंट हो गया सारा। एनी क्वेश्चंस?